स्टूडेंट मैं आर पी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में हम लेकर आए हैं डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का वो हम लोग देखेंगे और यहाँ से आ, जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं उनको डिराइव करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आ, ये पहला हमारा फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू तो एन एक्स पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है आ, उसको हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का होता है डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स एंड लॉग एक्स बेस ए का होता है बेस इतने सारे डेरिवेशन हम करेंगे ये फॉर्मूले हैं और क्लास uh, ट्वेल्व का बेस होता है जैसे कहें uh, ये और फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आपको अगर uh, बेहतर तरीके से पढ़ते हैं इसको तो जो आपका ट्वेल्व है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी और इसका कैलकुलस का वेटेज बहुत कुछ होता है फिजिक्स में तो इसका यूज होता है काफी यूज होता है तो वही चीज हमको आ, सीखना है आ, जैसे कि हमने आ, आपको आ, इससे पहले वाले जब कॉन्सेप्ट आप डेरिवेटिव बताया तो उसमें आ, इसाक न्यूटन गाटफ्राइड दो ले दो थे आज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि लेबनीज और इसाक न्यूटन ने कैलकुलस की शुरुआत की और जो डिफिनीशन दिया लेबनीज ने वो डिफिनीशन था डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वल टू लिमिट एच टू जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके आ, जब डेरिवेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्योंकि ये पहली बार दिया गया था इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है और जब आप ट्वेल्व में जाएंगे तो ट्वेल्व में ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे और फिर इस फॉर्मूले का आगे का जो पोर्शन होगा आगे जो कैलकुलस का पोर्शन होगा उसका स्टडी करेंगे तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स फर्स्ट प्रिंसिपल ये जानने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले देखने होंगे और वो फार्मूले जो हम लोग ट्रिगो में यानी ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ एक्सपेंशन में देख चुके हैं जैसे बायनमियल एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन तो वहाँ पे जैसे ये तो लेबनीज ने जो अपने फॉर्मूला दिया था कंसेप्ट दिया था कैलकुलस का डेरिवेटिव की मीनिंग तो ये फार्मूला था इसके अतिरिक्त हमको जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे वन प्लस एक्स पावर इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल इस तरह से हम लोग चलते हैं यहाँ पे थ्री नहीं रहेगा अः ये रहेगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल तो ये हमारा है एक्सपेंशन uh, इसकी फॉर्मूले की यूज करेंगे हम लोग फिर आते हैं ई पावर टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस वन फैक्टोरियल ये हमारे फॉर्मूले हैं ए पावर का होता है अपन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू लॉग ए अपन बेस ई का होल क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डाटा अब आते हैं हम लोग साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए cos बी प्लस माइनस काश ए का साइन बी प्लस माइनस का मतलब यहां अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा काश ए प्लस माइनस बी cos काश ए काश बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी यानी यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा यहां माइनस है तो यहां आपका प्लस होगा आ, अब आते हैं हम लोग माइनस बी साइन ए प्लस माइनस माइनस प्लस यानी अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस यहां माइनस अगर यहाँ माइनस है तो नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस ये हमको लेना है अब आते हैं हम लोग प्लस माइनस टेन बी इक्वल टू साइन ए प्लस माइनस बी अपॉन है हमारे पास टेन ए माइनस टेन बी को हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी ब्रैकेट में वन प्लस टेन ए टेन बी साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू का साइंस सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू साइंस सी माइनस डी अपॉन टू का अपॉन टू इसको लर्न करने के लिए आप इस तरफ भी कर सकते हैं और इसको इस तरफ करके लर्न कर सकते हैं देन अब आते हैं हम लोग और लेते हैं का सी प्लस माइनस डी अपॉन टू का टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू या टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू अब आते हैं हम लोग टू साइन ए काश बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन साइन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू काश इक्वल टू का प्लस बी प्लस का से माइनस बी अब आते हैं यहाँ पे लेते हैं हम लोग टू साइन ए साइन बी इक्वल टू का से माइनस बी माइनस का से माइनस बी और लेते हैं लिमिट एक्स टाइम्स टू ये पावर एन माइनस ए पावर एन अपन एस माइनस ए इक्वल टू यन ए पावर एन माइनस वन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिट में भी हम लोग काफी यूजफुल देखे थे और डेरिवेटिव में भी हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी अब आते हैं हम लोग लिमिट

बेस ई ए एर ए इज अः ग्रेटर देन जीरो और ए कभी वन के इक्वल नहीं हो सकता है uh, अब आते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अब फाइनली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लाग बेस ई वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन ये हमारे आ, बेसिक फॉर्मूले थे अब हम इसी बाकी चलते हैं जो हम लोगों को यूज करना है थियरम फर्स्ट थियरम लेते हैं और यही प्रूफ करना है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इक्वल टू एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एन एक्स पावर एन माइनस वन या यही बात कहें डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर डी डीवाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन या ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड डिफ्रेंसिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन तो यूज करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल इलेवेंथ में फर्स्ट प्रिंसिपल है क्योंकि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखना है 12 में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसी का हम लोग यूज करते हैं तो लेट एफ एक्स इक्वल टू हमने मान लिया एक्स पावर एन देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच पावर एन ये हमको मिल जाएगा अब ये दो चीज हम लोग को मिला अब यहां से हम लोग फाइंड करते हैं आ, यहां से लेते हैं डी बाई डी एक्स जो डिफिनेशन था लेबनीज का डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टाइम्स टू जीरो है आ, अब यहाँ से हम लोग ले, ले लेंगे डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अः लिमिट एक्स प्लस एच यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर है एक्स प्लस एच पर पावर एन और माइनस एक्स पावर ये हमने लिया अब किए तो अब एच की जगह पर हम ये भी पुट कर सकते हैं किया हम लेते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम एक्स पावर ले सकते हैं लिमिट जेड टेन्स टू एक्स जेड पावर यन यानी हमने जेड एक्स प्लस एच को जेड सपोज कर लिया और ये x पावर यन जेड माइनस एक्स वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्ष जब एप्रोच करेगा को तो एप्रोच करेगा जीरो जेड एक्स को अप्रोच करेगा तो h अप्रोच करेगा जीरो को अब यहाँ पे हम आ, दो मेथड से यहाँ से डिराइव कर सकते हैं एक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था लिमिट एक्स टाइम्स टू ये एक्स पावर यन माइनस ए पावर एन अपन एक्स माइनस ए इक्वल टू यन ए पावर एन माइनस वन हम लोगों का है लिमिट यहाँ पे जेड टाइम्स टू ए जेड टाइम्स टू एक्स और यहाँ पे जेड पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन जेड माइनस एक्स तो यहाँ पे ये यह है यहाँ पे एक्स है और फिर हमको फॉर्मूला वही मिलेगा एन और एक्स पर एन माइनस वन तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स पावर एन यहाँ पे हम एक्स पावर एन भी लिख सकते हैं अब इसी को हम थोड़ा सा आ, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर ये तो हम लोग को मिल चुका आ, अब डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट जीरो प्लस एच पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन एच ये हम लोगों ने देखा था वहां से हमने ले लिया अब ये लिए थे ये तो ऐड किए थे ये कैंसिल आउट हुआ अब यहां से हम एक्स कॉमन लेते हैं यानी अगर आपके पास ए प्लस बी है और ए को कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा आ, वन प्लस बी बाई ए अगर ये कुछ इस तरह से हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए को कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर होगा प्लस बी बाई ए और स्क्वायर हो इस तरह से तो यहाँ पे हमने आ, यहां से को हम कामन ले तो हमको क्या मिलेगा डी बाई डी एस टेंस टू जीरो और यहां से हम कामन ले लेते हैं तो काम लेक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट एस टेंस टू जीरो पावर एन है और आ, वन प्लस एच वाई एक्स एक्स पावर एन अब इसको और इसको हम इन दोनों से कॉमन लेते हैं तो फिर हमको मिलेगा लिमिटी तो माइनस वन अपॉन एच और हम लोगों ने थ्योरम में अभी हम लोगों ने एक एक्सपेंशन देखा था वन प्लस एक्स पावर एन का वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल स्क्वायर इस तरह से तो इसको हम बाइनामियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन करेंगे तो लिमिट एस टाइम्स टू जीरो एक्स पावर वन प्लस एन एच अपॉन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एच अपॉन एक्स का होल क्यू डॉट डॉट माइनस वन ये और ये वन कैंसिल अब इसमें से इसमें से इसमें से हम एच को कॉमन ले लें और ये एच को कामन लेने के बाद से इस एच को हम कैंसिल कर रहे तो हमको क्या मिलेगा वो हम लोग देखते हैं लिमिट एच टेन्स टू जीरो पावर एन एन एच अपॉन एक्स प्लस एन ये हमको मिलेगा अब यहाँ से एच हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ का जो टर्म होगा एन वन और यहाँ का मिलेगा प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल और यच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यानी जितने इधर के जितने भी टर्म होंगे उन सब में यच होगा और यहाँ पे लिमिट है एच टेंस टू जीरो तो हम एच को जीरो के अगर इक्वल लिखेंगे तो इधर के हायर टर्म्स जितने भी होंगे वो हो जाएंगे जीरो तो हमको एक्स पावर एन यन और वन बाई एक्स हमको मिला क्योंकि यहां से यच को हम कॉमन लेंगे तो ई एच को कैंसिल कर देंगे तो जो एच जीरो जीरो का टर्म है वो हट जाएगा अब डी इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने पुट किया एक्स पावर एन और यहाँ पे हमको मिला आ, एक्स पावर यन ये है और वन बाई एक्स अब वन बाई एक्स को हम ऊपर ले जाएं तो माइनस वन और यहाँ पे है एक्स पावर यन तो पावर जब बेस इक्वल हो तो पावर येड होते है यन माइनस वन तो ये रिजल्ट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये क्या है कि जैसे कि कैलकुलस का पहला फॉर्मूला यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया जाता है और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने डिराइव किया आप आते हैं एक एग्जाम्पल से इस पर देखते हैं और एग्जाम्पल से डी बाई डी एक्स एक्स पावर सिक्स तो यहां पे जो हम लोगों का फॉर्मूला निकला था वो डी बाई डी एक्स आ, ए, एक्स पावर एन इक्वल टू यन एक्स पावर आ, एन माइनस वन तो यहाँ सिक्स है तो यन आगे आ रहा है यहाँ पे तो यन हमारा आगे आ गया और उसमें से एक पावर कम तो सिक्स माइनस वन तो ये हो गया फाइव यानी सिक्स एक्स पर फाइव ये रिजल्ट हुआ आ, दूसरा देखते हैं डी बाई डी एक्स आ, वन अपन एक्स पावर फोर इक्वल टू डी बाई डी एक्स इसको हम ऊपर लाए हमको इस फॉर्मेट में मिल जाए आ, तो डी बाय एक्स एक्स पावर अब ये माइनस फोर आगे आएगा उसमें से एक पावर कम तो ये हो गया माइनस फाइव इसको हम लिख सकते हैं माइनस फोर अपॉन एक्स पावर फाइव अब यहां से डी बाय डी एक्स रूट एक ये फॉर्मूला के रूप में भी इस्तेमाल होता है और और काफी यूजफुल है डीवाई डी एक्स एक्स एक पावर वन बाई टू वन बाई टू यानी रूट को हम लिख सकते हैं ये वन बाई टू आगे आया उसमें से वन को हम सब टेक किए तो वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू यानी एक्स पर मिल जाएगा माइनस वन बाई टू और इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर वन बाई टू और ये हो जाएगा रूट एक्स यानी वन अपॉन टू रूट एक्स एक फॉर्मूले के रूप में इसको यूज कर सकते हैं आप डीवाई डी एक्स रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स अब आते हैं डीवाई डी एक्स वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स पावर अब इसको ऊपर हम लेकर जाएंगे तो, x power minus one by two, और ये आ गया माइनस वन बाई टू एक्स पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू एक्स पर इसको एड करें तो माइनस थ्री बाई टू ये हमको मिला अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन वेरी गुड रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा हम लोगों का तो आइए लेट एफ एक्स इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन और वेरिएबल में डिफरेंस होता है वेरिएबल होता है तो अगर यहाँ से एक्स चेंज होता तो सी भी चेंज होता लेकिन

उसका डिफ्रेंसिएशन होता है जीरो फिजिक्स में आचा है मैथ में इसका काफी आ, यूज होता है अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेते हैं और ये थ्योरम है कि द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पावर विद रिस्पेक्ट टू इज ई पावर यानी ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स होता है यानी डी बाई डी एक्स ई पावर टू ई पावर अब

वैल्यू पुट करते हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स ई पावर इक्वल टू लिमिट ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स एच अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो और ई पावर एक्स प्लस एच को हमने लिख दिया ई पावर एक्स ई पावर एच अब इन दोनों में e पावर एक्स और e पावर एक्स हमारा कॉमन है तो हम इसको ले लेते हैं काम तो लिमिट एच टेंस टू जीरो e पावर e पावर एच माइनस वन अपॉन एच ये मिला अब यहां से हम करते हैं लिमिट अब h वाला टर्म हम एक पास कर लेते हैं और जो हमारा e पावर एक्स है उसको हम बाहर करते हैं अब ये एक फॉर्मूला था और इसकी वैल्यू मिल रही थी वन तो इसके जगह पर हम पुट कर देंगे वन तो देन हमको रिजल्ट मिल गया लिमिट एस टेंस टू जीरो ई पावर एच माइनस वन एच इक्वल टू वन तो ये हम लोग का फॉर्मूला था देन हमको मिला डी वाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स नेक्स्ट लेते हैं थियरम और ये थियरम है द डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स वेयर ए पावर ए ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई ये होता है आइए इसको हम लोग डी बाय डी एक्स ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई अब यहाँ पे हम लेट मान ले लेट करते हैं Uh, 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 फिर ले लेते हैं इसको हम यहीं से तोड़ना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए पावर एच अब जो लेबनीज uh, का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव था एफ ऑफ एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो माइनस अब यच और की वैल्यू कुट करते हैं तो रिजल्ट हमको डी बाई डी एक्स ए पावर टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ए पावर ए पावर डी वाई डी एक्स ए पावर टू लिमिट एच टू जीरो ए पावर पर आ, ये ये ही रहेगा और ए पर अब इन दोनों को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं तो काम लिए तो ए पावर एक्स ए पावर एच माइनस वन अपॉन एच अब इसको हम बाहर कर लें और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था तो वो हम लोग फार्मूला ले लेंगे तो ए पावर एक्स और इसकी वैल्यू होती है लाग, आ, बे, लाग a एस ए e. तो लिमिट एच टेन्स टू जीरो यानी ये फॉर्मूला है ए पावर एक्स माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू लाग ए बेस एर हमको जो फाइनल रिजल्ट मिला डी बाई डी एक्स ए पावर टू ए पावर अब आते हैं हम लोग uh, अगला देखते हैं और ये है द डिफ्रेंसिएशन ऑफ लाग एक्स बेस ई वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन बाई एक्स

अब यहाँ पे एफ या, ये एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है अपन एच हमने रख लिया एक स्टेप कम कर दिया अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन तो ये मिलता है लॉग एम बाई ए अब लॉग एम बाई एन तो यहाँ से हमारे पास है h ब होगा अब इसको हम रिअरेज करके ऐसे लिखते हैं कैंसिल तो हमको मिलेगा log वन प्लस एच अपॉन एक्स तो डीवाई डी एक्स लाग एक्स बेसी इक्वल टू तो लिमिट एच to टू जीरो आ, बेस ई वन प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच अः अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग uh, इसको रीअरेंज करते हैं और तब फॉर्मूला देखते हैं डीवाइडी जीरो लाख बेस ई वन प्लस एच अपॉन एक्स अब यहाँ पे एच अपॉन एक्स है तो यहाँ पे एच अपॉन एक्स कर दें और यहाँ पे वन अपॉन एक्स कर दें तो ये हमारा एक फॉर्मूला सेट हो गया तो इसकी वैल्यू होती है वन तो देन हमको मिल जाएगा वन बाई एक्स तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेसी इक्वल टू तो लिमिट एस टाइन्स टू जीरो लॉग इतना हुआ अब यहीं से हम फाइनल लिमिट एस टाइम्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक एक्स बेस ई अपॉन एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स तो यहाँ पे सॉरी इसकी वैल्यू होती है वन वस इसकी वैल्यू वन हुई तो हम लोग का जो यहाँ पे चेंजिंग है एच अपॉन अच्छा एक्स एच अपॉन अच्छा एक्स तो उसकी वैल्यू वन ही होगी तो देन हमको जो रिजल्ट मिला डी बाई डी एक्स लाग एक्स बेसी इक्वल टू वन अपॉन एक्स अब एक और देखते हैं थ्योरम और वो है द डिफरेंशिएशन ऑफ लाग ए, एक्स एक्स बेस ए ग्रेटर देन जीरो रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन अपॉन एक्स लॉग ए बेस ए या ऊपर के तरफ लिखेंगे तो वन अपॉन एक्स लॉग और ये होगा यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा और ये होगा ई e. इस तरह से भी लिख सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे डी डीवाई डी एक्स लॉग ये ये है एक्स इक्वल टू वन अपन एक्स लॉग बेस ई ए लेट एफ ऑफ़ एक्स इक्वल टू बेस ई और दूसरा ले एफ ऑफ़ एक्स प्लस एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग यहाँ पे हम लिखेंगे ए और एक्स प्लस एच ये ले लिया अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन एफ प्राइम एक्स अपॉन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच और एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने लिखा लॉग बेस ए एक्स प्लस एच माइनस लॉग बेस ए एक्स uh, अब यहाँ से फिर हम फॉर्मूला वही यूज करते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन का तो यहाँ से ले सकते हैं uh, लिमिट एच टाइम्स टू जीरो लॉग ए बेस ए वन प्लस एक्स अपॉन अपॉन अब एक लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे लिमिट एच टाइम्स टू जीरो लॉग बेस ए वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ये तो होता है वन वन बाई एक्स तो हमारा आएगा अः uh, आते हैं हम लोग लाग ए बेस ए लॉग ए लॉग बेस ए बी इक्वल टू लॉग बी बेस ए अपॉन लॉग ए बेस ई तो ये हम लोग ले लेंगे और यहाँ से दो चीजें उनको मिली अब यहाँ पे हम क्या करते हैं uh, ये डी वाई डी एक्स और लॉग बेस ए एक्स लिमिट ये था अब इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला कहलाता है लाग का और इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे जो चेंजिंग करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग ई वन प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच लॉग ई लॉग ए बेस ई ये हुआ हमारा अब यहाँ पे ये इसको हमने बेस को चेंज कर दिया इस फॉर्मेट को हमने यूज किया लॉग का अब आप देखें कि ये चेंज किया एच तो हमारा पहले से था अब ये वन होता है इसके जगह पर लाग लिमिट एस टेन्स टू जीरो लाग वन प्लस एक्स अपन एक्स इक्वल टू होता है वन तो ये तो फार्मूला है लिमिट वाले केस में हम लोगों ने देखा था अब यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं और चूंकि यहाँ पे एच अपॉन एक्स है तो हम यहाँ पे भी एच अपॉन एक्स बनाए तो एच अपॉन एक्स बनाने के लिए हमको बैलेंस करना होगा और यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई ना करके हम वन अपॉन एक्स के फॉर्मेट में लिख दिया इसको तो देखे कि जो ये वाले टर्म्स हैं इतने की जो वैल्यू ये तो एक्स है नहीं यहाँ पे अब इसकी जो वैल्यू होगी वो तो हो गई वन और ये वन अपॉन एक्स और ये हमारा रिमेनिंग रह गया तो फिर हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स लॉग यस बेस लिमिट टू जीरो लॉग वन प्लस एच अपॉन एक्स बेस ई अपन एच अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई और यहाँ पे एक्स को डिवाइड किया और यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई किया इसी एक्स को हमने यहां पे फिट कर दिया ये हो गया हमारा अब जो फॉर्मूला था वो हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू हमको मिल जाएगा वन अपन एक्स ए बेस ई इसको आ, ये था हमारा फाइनल रिजल्ट अब ये फाइनल रिजल्ट था थैंक यू स्टूडेंट अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आ, आ, क्या कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगो फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है पॉलिनामियस का डेरिवेटिव क्या होता है थैंक यू स्टूडेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सबसे बढ़कर उन चैनल के सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद